से किया जाता है, एल से किया जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ सब सेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैंने बताया था फॉर्मूला पे, जैसे मेरे पास एस पी डी और एफ सब सेल है, तो एल के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए कितनी होती है, 3 होती है। ये बात मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जब यहाँ पर नंबर आप लगा देते हो तो यहाँ पर दो क्वांटम नंबर काम करता है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काम करता है और दूसरा सब सेल का एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा काम करता है, ठीक है। तो इन दोनों सबसेल को यूज करते हुए हमको इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है, फिलिंग करना है। तो देखो हमारे पास जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल हमारा 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है और 4s हो सकता है, ठीक है। अब सबके सब क्या है, s वाले हैं, तो s वालों का एनर्जी लेवल क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस कैसे जनरेट किया जा सकता है, इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे इसमें डिफरेंस जनरेट किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने, जो नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया, दैट इज कॉल्ड अ एन प्लस एल रूल, ठीक है। एन प्लस एल रूल में जब हम इसका एडिशन करते हैं तो इसका टोटल नंबर हमको मिलता है। जैसे यहाँ पर n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l का मतलब क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 1s के लिए अगर n प्लस एल निकालू तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और l का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर s 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 2s की बात करूं तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे s है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैसे ही 3s के लिए कितना है, तो अब देखो इसमें कौन सा ज्यादा बड़ा है, जो 4 है ज्यादा बड़ा है, 3 उससे छोटा है, देन 2 उससे छोटा है और 8 सबसे छोटा है। मतलब यहाँ पर सबसे कम एनर्जी किसके पास है, 1 के पास है, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, 4 के पास है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s वाले में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, 2s वाले पे जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, 3s वाले पे जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, 4s वाले पे जाएगा, ठीक है। तो सेम अगर हमारे पास सबसेल होगा तो कैसे एनर्जी ऑर्डर आप निकालोगे, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो डिफरेंट सबसेल भी आपको मिलेंगे, तो डिफरेंट सबसेल में आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम फिलिंग देखेंगे। जैसे सपोज देखिए आपको गिव कर दिया गया 1s और फिर 2s, फिर आपको दिया गया 2p और फिर दिया गया मान लीजिए 3s। अब आपको पता करना है कि इसमें किस पे मैं पहले इलेक्ट्रॉन डालूंगी, जिसपे एनर्जी कैसा होगा, लोअर एनर्जी होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ही एडिशन करूं तो इसका वैल्यू कितना है, 1 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n प्लस l रूल के बेसिस पे ये n का वैल्यू कितना है, 2 है, l का वैल्यू फॉर p कितना होता है, 1 होता है, 0 1 2 3 आपने पढ़ा, तो p के लिए 1 होता है, 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 हुआ। और इसके बाद देखो यहाँ पे 3s है, तो 3 प्लस क्या करेंगे, 0, n प्लस l रूल के बेसिस पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो p के लिए भी कितना आया है, 3 आया, और इसके लिए भी कितना आया, 3 आया। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा ना, तब आप किसका वैल्यू देखोगे, n का वैल्यू देखोगे, कि किसके पास n का वैल्यू कैसा है, कम है। तो p वाले के पास n का वैल्यू कैसा है, कम है, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं जो बता रही हूँ आपको। अगर दोनों नंबर n प्लस l रूल को बिलोंग करने के बाद आपस में सेम हो जाते हैं, तो सेम होने पर हमको क्या देखना रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना रहता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस भी हमारे सबसेल के पास कम होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और उसके बाद वाले में बाद में जाएगा, ठीक है। तो इस n प्लस l रूल का यूज करते हुए नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, और इस n प्लस l रूल को यूज करते हुए उन्होंने एक बिल्डिंग बनाया, दैट इज कॉल्ड अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग अब बोला गया है। तो देखो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है,
वन एस में जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, टू एस में जा रहा है, ठीक है। ये आते हुए ऐसा जुड़ेगा, आप देखोगे ये ऐसा आके ऐसा जुड़ता है, ठीक है। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा, ठीक। मतलब ये एरो देखिए कैसे बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये एरो बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब यहां से ये ऐसे आया होगा, यहां से भी अगर आप इस डायरेक्शन से लोगे तो ऐसे आया होगा। एरो को समझो ये क्या बता रहा है, तो पहले 1s में गया, फिर 1s के पास घूम के कहाँ पे आया, 2s के पास आया, फिर 2s से घूम के कहाँ पे आएगा, 2p में आएगा, फिर 2p से कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, फिर यहाँ से ये ऐसा होता हुआ किस पे गया, 3p पे गया, 3p के बाद कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा, फिर 4s से रोटेट होता हुआ कहाँ आएगा, 3d में आएगा, 3d पे फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 4p पे, फिर 4p के बाद किस में आएगा हमारा, 5s में आएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर रोटेट होता हुआ कहाँ जाएगा, 4d पे, देन 5p पे, और उसके बाद आपका 6s पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से होता हुआ इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, 4f, और फिर 5d, और फिर यहाँ से किस में आ जाएगा, 5f पे आ जाएगा। अब देखो इसमें एनर्जी लेवल बताया गया है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास प्रेजेंट है, 5f वाले के पास सबसे ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, मतलब इसके पास सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और सबसे कम एनर्जी किसके पास प्रेजेंट है, 1s के पास, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग बनाया गया है, ये बिल्डिंग हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, और इसी बिल्डिंग का यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, ऑर्डर बताया गया है, ठीक है। 6p के बाद आगे नहीं गए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ से जस्ट आपको इस एनर्जी ऑर्डर को कैसे समझना है, देखो इसे यहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी का आप समझ जाओगे। जैसे 5p है, ठीक है, और एक जगह पे क्या लिखा है, 6s लिखा है, तो n प्लस l रूल अगर लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 और यहाँ पे s लगा हुआ है, तो 6 प्लस 0 करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 6 6 आ गया। अब क्या देखोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है, जो हमारा 5p वाला है उसका कम है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है और इसका क्या है, 6 है, मतलब इसमें लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, इसमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5p वाले में जाएगा, इस वजह से 5p में लोअर एनर्जी, फिर 6s में हायर एनर्जी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 4f दिया हुआ है, तो 4f देखो कैसे होता है, 4f अगर करोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा 4f, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 होता है, तो 4 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7, मतलब इसके पास हायर एनर्जी, तो उसके बाद क्या आ गया, 4f आ गया। इसके बाद 5d वाला दिया हुआ है, 5d वाला अगर n प्लस l रूल के बेसिस पे निकालोगे तो 5 हो जाएगा n का वैल्यू, और l का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये भी 7 आया, ये भी 7 आया। अब दोनों में देखो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है, तो किसका कम है, 4f वाले का कम है, तो आप कहाँ लेके जाओगे, 4f वाले में लेके जाओगे पहले इलेक्ट्रॉन। इस वजह से यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 4f लिखा है, उसके बाद 5d, फिर कितना लिखा है, 6p, 6p में भी जब ऐड करोगे तो कितना होगा, 7 होगा ना, देखो ये 6p है, n प्लस l रूल फॉलो करो तो n का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, l का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तीनों में कंपेयर करोगे और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखोगे तो 4 वाला सबसे कम होगा, उसके बाद कौन सा वाला होगा, 5 वाला होगा, और सबसे लास्ट कौन होगा, 6 वाला, तो सबसे ज्यादा एनर्जी 6 वाले के पास, उसके बाद 5 वाले के पास, और सबसे कम किसके पास, 4 वाले के पास। तो ये एनर्जी का ऑर्डर वैसे ही बना है, ये पूरा ऑर्डर मैंने सिर्फ लास्ट का लेके आपको समझाया है कि इलेक्ट्रॉन आपको फिल कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल आपको पता होना चाहिए, और ना भी पता हो तो आप ये n प्लस l रूल अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है।
तो यही चीज इस रूल में बताया गया है। ये रूल आपको समझना है, इसका डिफाइन आपको नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको इसका प्रिंसिपल पूछा जाएगा। ये रूल सिर्फ इसलिए बताया गया है, जैसे 2n² का फॉर्मूला होता है उसका यूज करते हुए आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, सेम एज नील्स बोर ने n+l रूल बताया है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ा था। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो देखिए पाउलीस एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल था, जिसको पाउली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसमें इन्होंने ये बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन का जो 4 क्वांटम नंबर होता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर उनके 3 क्वांटम नंबर सेम भी हो गए तो जो एस वाला वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ होगा। ये किसने बोला था? पाउलीस ने बोला था। ठीक है, इसी के बेस पे मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन को शो करते हैं, वो हमको पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया गया। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम हुंड था। ठीक है, हुंड रूल में क्या बताया गया है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल बताया गया है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल व्हेन नो एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी आर अवेलेबल। मतलब आइडेंटिकल एनर्जी का मतलब है कि सेम एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब तक क्या नहीं हो जाते, एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं कर लेते, तब तक हम उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एस है, पी है, डी है और एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करोगे तो एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके आगे कोई अदर ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर इसका पेयरिंग अभी कर सकती हूँ, अभी बस बता रही हूँ। ठीक है, अब मान लो आपके पास पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल का पेयरिंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पूरे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना दे दो। अब आपने क्या किया, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन बचा है तो आप इसकी पेयरिंग कर सकते हो, समझ गए। इसके बाद सपोज आपके पास डी ऑर्बिटल है, तो डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसे पहले जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का हमको क्या करना है, फिलिंग करना है। और जब पूरी फिलिंग करने के बाद आइडेंटिकल, ये सारे सेम एनर्जी के हैं, ठीक है, मतलब डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी के हैं, फाइव के जो पी के जो आपके 3 ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी के हैं, और एस का जो 1 ऑर्बिटल है वो भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एस का एनर्जी अलग है, पी का एनर्जी अलग है और डी का, मतलब इन ऑर्बिटल्स का अगर एनर्जी पूछा जाए, ठीक है, एक सब सेल में जितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनका एनर्जी तो सेम है, लेकिन वो एक सब सेल से दूसरे सब सेल में जब आते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एनर्जी डिफरेंस मिलता है। ठीक, हुंड्स रूल में यही बोला गया है कि सेम एनर्जी के जो भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, सबसे पहले उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जब आगे उस आइडेंटिकल एनर्जी के लिए कोई ऑर्बिटल नहीं बचा हो, तब आप इलेक्ट्रॉन का क्या स्टार्ट करोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे। मतलब जब तक पूरे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, तब तक आप उनकी क्या नहीं कर सकते हो, पेयरिंग नहीं कर सकते हो। ऐसा किसने बताया? हुंड नाम के साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, और इसी के बेसिस पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एज अ एग्जांपल दिया गया है। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक, यहाँ पे जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s, s के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर किसके पास जाएगा, 2s के पास जाएगा, हमने एनर्जी लेवल देखा है, इसमें सबसे कम एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी 2s के पास, इससे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, 2p के पास। तो अब देखो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 है, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3।
ऐसे ही ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास भी चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद किसके पास जाएगा, 2p के पास। 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं 8 में से, बचा कितना हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसका फिलिंग अगर देखोगे, जैसे अगर आप इसका फिलिंग देखोगे इन अ ऑर्बिटल, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 1s के पास 2 थे, 2s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा पेयरिंग कर दिया, क्योंकि आगे आइडेंटिकल एनर्जी का कोई ऑर्बिटल नहीं है। फिर इसका करेंगे तो इसके पास भी एक ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि s के पास एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और दूसरा कोई आइडेंटिकल एनर्जी का नहीं है तो पेयरिंग कर दिया। अब देखो p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखिए इसमें 3, ये एक ऑर्बिटल है, मैं इसका पेयरिंग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरे पास आइडेंटिकल एनर्जी का ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। इसके आगे अगर होता, जैसे ऑक्सीजन के पास कितना था, 4 था, तो इसके लिए जब 2p4 बनाती तो कैसे करती, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आ जाते, एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब चौथा आ रहा है, आइडेंटिकल एनर्जी का और ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, मतलब अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, पेयरिंग कर सकती हूँ। तो ऑर्बिटल का फिलिंग आपको इस फॉर्म पे करना रहता है। ठीक, तो ये हमने क्या सीखा, ऑर्बिटल की फिलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। जब तक सारे ऑर्बिटल में जो आइडेंटिकल एनर्जी के हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक हम उनकी क्या नहीं कर सकते हैं, फिलिंग नहीं कर सकते हैं। ये बात हमको किसने में बताया गया है, जो हुंड रूल है उसमें बताया गया है। हुंड रूल को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल बोला जाता है, जिसको हुन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इस रूल के अकॉर्डिंग द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑनली पॉसिबल व्हेन नो एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी आर अवेलेबल। ठीक है, तभी हम उसकी पेयरिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते हैं इन अ ऑर्बिटल, उस चीज को यहाँ पे बताया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बोरबरी स्कीम बताया गया है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो चीज आपको पता है पहले से ही, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो बोरबरी स्कीम बताया गया है, 2n² जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और इसके बेसिस पे हम किसके बारे में पता करते हैं कि सेल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और नील्स बोर ने ये जो अप आउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या n+l रूल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करना हो तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब सेल के बेसिस पे होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये दोनों ही कॉन्फिग्रेशन जो है, n+l रूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है और 2n² का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों के दोनों रूल देने वाले जो साइंटिस्ट थे हमारे, वो कौन थे, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे। तो 2n² का फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था और n+l रूल का फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था। जो 2n² के बेसिस पे सेल पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर बोला जाता है। और सब सेल पे जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सब सेल पे डिवाइड करते जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल बोला जाता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आखिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है। मैं आपको 10 इलेक्ट्रॉन तक बताऊंगी, बाकी के जो 11, 12 और 13 है उसका एग्जाम्पल आप मुझे देंगे। ठीक, 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है, इसी को मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या कर लो, ध्यान से देखना, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, देन बेरिलियम आ जाता है, फिर बोरॉन आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा। ठीक, अगर इसका एटॉमिक नंबर लिखे तो ये 1 है, ये 2 है, देन ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और फिर आपका 6। आगे का हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा देख लेंगे। अब देखो इसके पास अगर कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल, सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल पे 1s कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या जाएगा, 1s, 2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसपे कितना आएगा, 1s2। s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन, वो किस पे जाएगा, 2s पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है,
लास्ट चैप्टर है कंप्लीट करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1s2 हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 1s2 हो गया, फिर 2s2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2p क्या आ जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा एक है, तो पी पे एक इलेक्ट्रॉन गया, वैसे ही 1s2, फिर 2s2, और 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन बचे तो दो जाएंगे। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता जाता है उतना आप फिलिंग करते जाओगे। ठीक है, जैसे 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, 3p भी आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन 3s और 3p को जब कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 3s और 3p में 3p के पास n प्लस l रूल के बेसिस पे चार नंबर आएगा और 3s के पास तीन नंबर आएगा। मतलब लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास है, 3s के पास है, और जो 3p है उसके पास हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो पहले 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, 3p में जाएगा। उसके बेसिस पे आपाओं ने वो बिल्डिंग दिया है। अगर आपको वो बिल्डिंग पता है तो आप आसानी से किसी भी एटम का क्या पता कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। अब देखो, इस s पे इलेक्ट्रॉन डालना तब तक बंद नहीं करना है जब तक उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो s पे मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, मैंने 2 डाल दिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, s में मैक्सिमम 2 आ सकता है, तो यहाँ पे भी 2 डाल दिया। अब p की बारी आई, p पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 6 जा सकता है, तो 6 से ज्यादा आएगा तब हम किस में जाएंगे, देखो, जैसे सपोज हमारे पास नियॉन है, ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s के पास दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के पास दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2p के पास, देखो अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से चार निकल गए तो बचे कितने, 6, 2p 6। अब अगर सोडियम की बात करो, सोडियम के पास कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर कॉन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2, then 2s2, 2p कितना हो जाएगा, p पे मैक्सिमम 6 आ सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे जाएगा, 3s पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s1 आ जाएगा, क्योंकि देखो पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे आएगा ना, एनर्जी लेवल के बेसिस पे है। तो इसको बैठना और अपने घर पे लगभग 30 तक का जो एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रैक्टिस करना। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि किसके बाद कौन सा सेल आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बता रही हूँ, जैसे 30 का बताती हूँ, ध्यान देना उसको, जिंक, उससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा, उतने में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो 30 है, तो 30 में सबसे पहले 1s2 में जाएगा, फिर 2s2 में जाएगा, उसके बाद आपका 2p6 में जाएगा, फिर आपका किस में जाएगा, 3s2 में जाएगा, फिर आपका जाएगा 3p6 में जाएगा, इसके बाद 3d की बारी आई और 4s की बारी आई। ठीक है, तो 3d करोगे तो 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 0 क्या आ गया, 4 आ गया, तो कौन छोटा है, 4 वाला छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 में जाएगा। ठीक, अब काउंट करो, 6 4 10 हो गया, फिर ये 16 और ये 4 20 हो गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, वो किसके पास आएगा, डी के पास। डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जब तक 10 नहीं आ जाता तब तक उसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल करते रहोगे। जैसे 3d2 आया, 3d1 आया, 3d3 आया, 3d5, 3d6 आया, इन सारे कॉन्फिग्रेशन को आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी लेवल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और घर पे बैठ के 10 तक तो मैंने लगभग बता दिया है आपको, 11 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। ठीक, अब देखो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया गया है, इसमें दो केस ऐसे आएंगे जो कि बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये दो केस किसके होते हैं, एक आपका होता है क्रोमियम का, एक केस होगा आपका क्रोमियम का, और एक केस होगा आपका कॉपर का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट सेल पे, लास्ट का ही बता रही हूँ, बाकी तो सेम होता है, क्या आएगा, 3d4 और 4s क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, लास्ट सेल का बता रही हूँ। अब देखो इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल,
1, 2, 3 और 4, और इस पे कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल हो जाए, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, चार यहाँ पे है तो चार ऑर्बिटल फिल हुआ है। अगर ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है? स्टेबल कंडीशन को शो करता है, ठीक। और अगर पेयरिंग में ये सभी के सभी फिल हो गए, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो वो क्या होता है? वो भी स्टेबल होता है। अभी अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा? यहाँ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, तो इस पे बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन? इस पे बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो होगा क्या, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकाल दिया तो यहाँ पे भी बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल भी क्या हो गए? सॉरी, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पूरे के पूरे क्या हो गए? हाफ फिल्ड हो गए। और ये भी क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। और 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो ये हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड हो गया। मतलब अगर कोई ऑर्बिटल पूरी तरीके से हाफ फिल्ड होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए उनका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 3D4 और 4S2 होता है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 3D5 और 4S1 हो जाता है। सेम एज यही प्रोसेस किसमें होता है? कॉपर में होता है। अगर इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा पता है? 3D9 आएगा और 4S2 आएगा। इस टाइम पर इस 3D9 की वजह से ये क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो बनेगा क्या? 3D10 बनेगा और साथ में 4S क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ये 3D10 क्या हो गया? फुली फिल्ड हो गया और ये हाफ फिल्ड हो गया। मतलब अब ये अनस्टेबल नहीं है, ये किसको अचीव कर चुका है? स्टेबिलिटी को अचीव कर चुका है। मतलब अगर कोई स्टेबल कंडीशन के जस्ट पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का बस उनमें डिफरेंस होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एस का एक इलेक्ट्रॉन डी वाले में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है? एक स्टेबिलिटी कंडीशन को क्या कर लेता है? वो अचीव कर लेता है। मतलब जब भी हमारे ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं या फुली फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, ठीक है। हाफ फिल्ड का मतलब आधा भर जाए, जैसे 5 ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो उसका आधा कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। एस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसका आधा कितना होगा? 1 होगा। पी पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसका आधा कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और एफ पे मैक्सिमम कितना आ सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसका आधा कितना होगा? 7 होगा। तो जब फुली फिल्ड हो जाए या हाफ फिल्ड हो जाए, दोनों ही कंडीशन में अगर कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को शो करता है, तो उस टाइम पर वो एलिमेंट कैसा होता है? स्टेबल होता है। और वही चीज अगर वो 3D7 में है, 6 में है, या 4 में है, 3 में है, 2 में है, 1 में है, तो उस कंडीशन में वो कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। आधा भरा हो या फिर पूरी तरीके से भरा हुआ हो तो वो स्टेबल होगा, और इसके सिवा अगर उससे कम या ज्यादा होगा तो उस टाइम पर वो क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लास्ट सेल। और अगर वो स्टेबिलिटी के काफी पास है तो हम क्या करते हैं? इन अ क्रोमियम और किसका कॉपर में हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके स्टेबल कंडीशन को क्या कर लेते हैं? अचीव कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक इसमें से बच गया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक आपका क्या है? एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे देखी जाती है? देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी एक्सचेंज का जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा अवेलेबल होता है, तो वो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। देखिए, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इट मे बी नोटेड दैट मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पोजीशन, मोर विल बी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड, थस मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर मेरे पास अगर 5 ऑर्बिटल है, ठीक है,
जैसे इस एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर देखो ऐसे बताना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 रुकिए, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी फिल है, यहाँ पे भी फिल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखो इस एक इलेक्ट्रॉन का अगर मुझसे एनर्जी एक्सचेंज पूछा जाए तो ये किससे किससे कर सकता है, एक बार इससे कर सकता है, दूसरी बार इससे कर सकता है, तीसरी बार इससे कर सकता है, और चौथी बार इससे कर सकता है। मतलब इसके पास कितने कंडीशंस अवेलेबल हैं बेटा, 4 कंडीशंस अवेलेबल हैं कि ये यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करके खुद इधर जा सकता है, फिर यहाँ से इधर जा सकता है, फिर यहाँ से इधर जा सकता है, और फिर यहाँ से इधर जा सकता है। मतलब कितने प्लेस इसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, 4 प्लेस अवेलेबल हैं। मतलब इसका एक्सचेंजेबल एनर्जी का जो स्टेट है क्या है, सबसे ज्यादा है, कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखो सेकेंड, इस वाले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, रिवर्स नहीं जाता, रिवर्स में मत लेना भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। अब देखो मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो इसके लिए कौन सा कंडीशन है, एक तो यहाँ जा सकता है, दूसरा यहाँ जा सकता है, तीसरा यहाँ जा सकता है, ठीक है। मतलब कितना प्लेस अवेलेबल है, 3 प्लेस अवेलेबल है। तो इसके पास इसके कंपेरिजन में क्या है, लोअर एनर्जी एक्सचेंजेबल स्टेट है, इसका 4 स्टेट है और इसका कितना है, 3 है। वैसे ही थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 5th हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और 5th वाले का तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंजेबल स्टेट प्रेजेंट होता है, उतना ज्यादा उसका क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होता है एटम का, वो शो कर सकता है। इसी को एक्सचेंजेबल एनर्जी स्टेट बोला जाता है। और नीचे जो दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1s2 2s2 2p6 में हम कैसे जाते जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका आज कंप्लीट हो जाता है। आप सभी करेंगे क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला है 30 तक, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, आपको सभी का क्या पता